अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो मैं तो सर आपको बहुत सारे बच्चों के लिए ये हमारी रानिया भी उठाई है और अब हम बच्चों के लिए लंच बना रहे हैं। रानिया तो छुट्टी है लेकिन हसन ने हमारे स्कूल तो जाना है। चले आएंगे गाइस, जल्दी जल्दी हम बच्चों के लिए लंच बनाएं और ब्रेकफास्ट रेडी करें क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना है। गाइस हमारा हसन आज बहुत रो रहा है क्योंकि रानिया को छुट्टी हो रही है और ये कहता है मैं नहीं जाता स्कूल। तो टाइम देख ले, वो सात हो गया और ये अभी तक। गाइस हमारा आज हसन बहुत ज़्यादा रो रहा है, ये कहता है कि मैं स्कूल नहीं जाना। ये देख ले, इसे लंच तो वो ब्रेकफास्ट तो कर लिया पर अभी स्कूल के लिए ये देखे सॉक्स आते पहने और आधे नहीं पहने। चले गाइस हसन चला गया स्कूल, तो अब मैं करने लगी हूँ थोड़ी सी सफाई वगैरह करने के बाद फिर हम रानिया को पेपर की तैयारी कराएंगे। और अभी तो मैं सुलाने लगी हूँ हमाद को क्योंकि हमाद को बहुत सख्त नींद आई है क्योंकि सुबह 5 बजे का जाग रहा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब क्यों नहीं करते आप लोग? चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग और नए नए अच्छे अच्छे कॉन्टेंट लेकर आएँ आपके लिए, नई अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाएँ। तो काइंडली प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मेरे बच्चे भी मोटिवेट हो और फिर वो और वीडियो बनाएं और खुशी से इसमें पार्टिसिपेट करें। गाइस हम लोगों ने अब कमरे की सफाई वगैरह कर ली है, तो अब हम मैं सोच रही हूँ खाने में क्या बनाऊँ या क्या करूँ क्योंकि बच्चे क्या कहते हैं, तंग करते हैं कभी ये चीज़ खाने कभी ये। तो ये रानिया भाई के साथ बाहर खेल रही है, अभी मेरा बाहर वाला काम रहता है तो अभी मैंने सिर्फ कमरे का जो ख़त्म किया, डस्टिंग वगैरह करनी थी सब कुछ। बच्चे हमारे खेल रहे हैं मेरे बाहर दोनों क्योंकि रानिया को आज छुट्टी है और हसन स्कूल गया। आज वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था कि मामा मैं स्कूल नहीं जाना, मुझे छुट्टी करनी है क्योंकि रानिया छुट्टी कर रही है। तो चले गाइस अब बाकी क्या कहते हैं होता है कि देखते हैं बाकी, मैं जल्दी से अपना काम कंप्लीट करके तो फिर उसके बाद आगे आपसे बात करती हूँ। गाइस मैं आलू पराठे बना रही हूँ और ये हमारे आलू पराठे में बच्चों का दिल था बहुत ज़्यादा कि मम्मा कह कहते हैं हम लोगों ने सालन में बोटी वगैरह खाने हैं और इस तरह। तो फिर मैंने कहा चलो क्या कहते हैं इनके पापा से मैंने बोला कि आप आलू पराठे ले आएँ, तो हम वो आलू ले आए और आलू पराठे बना देते हैं। तो मेरे बच्चे सोच के खा लेते थोड़ा सा सालन हो गया इस तरह शोभा बना कर रखूँ। तो ये चीज़ तो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं तो देखने के कहते हैं अब बना तो नहीं। मेरा हसन बहुत ज़्यादा काम करता है खाने के लिए, मेरे मामा ये चीज़ नहीं चाहिए, मामा ये चीज़ नहीं चाहिए। तो अब देखते हैं, उसे चूरी बहुत पसंद है और वो देखे हमारा राजू बैल खेल रहा है, वो माशाल्लाह खड़ा हो जाता है और चलता है, अभी वो सोया उठा है। तो ये देखिए अभी पूरे शहर में घूम रहा फिरा है और हमारी रानिया कोशिश कर रही है कि वो पुराने शूज़ पहन ले जो छोटे हो गए उसे। ये देखिए वो पूरी कोशिश में लगी हुई है कि किसी तरह ये शूज़ मैं पहन लूँ और पर इसे ये शूज़ पूरे नहीं हो रहे क्योंकि ये शूज़ इसी के हैं पर ये छोटे हो गए हैं और इसका पाँव बड़ा हो गया और ये कब से ट्राई कर। अच्छा अभी मैं पढ़ा रही हूँ अपने बच्चों को, स्कूल का थोड़ा सा होमवर्क वगैरह मिला हुआ था और रानिया को तो कन्वर्सेशन वगैरह के क्वेश्चन आंसर थे और वो जीके का वो मैंने इसको पेपर की तैयारी कराई है और रानिया अभी हसन का आज पेपर अच्छा हो गया। हसन का रिटन पेपर आज लास्ट है, अब कल खाली ड्राइंग का रह गया और रानिया के तो नेक्स्ट फ्राइडे तक रहेंगे। और अब इसको क्या कहते हैं होमवर्क वगैरह मिला है और ये होमवर्क कर रहा है और वो देखिए हमारा राजू विंडो में खड़े होकर पैर लोगों को बुला रहा है और वो खेल रहा है। ये अब रानिया हमारी कलरिंग करने लगी है ये देखें, और हसन अब हमारा क्या कहते हैं इसकी डेफिनेशन स्टार्ट हो गया नाउन वाली, तो अब इसे हम वो काम करवा रहे हैं। अब आलू गोश्त हमारे सालन बहुत अच्छा बना था और उसमें बच्चों ने बड़ा एंजॉय करके खाया खाना, पर हसन मेरा खास तौर पर चूरी वगैरह शौक से खाता है। तो और अभी बहन भाई आपस में
बांध रहे अपनी टमाटर को चीजें वगैरह। असल बच्चे काम करो, कॉपी फट जाएगी बेटा। बच्चे मैंने नहीं दिखा दिया था, गाइस ने लाइक भी शेयर भी कमेंट भी किया सारा। अब वो हमारा राजू का सर लग गया बैट के साथ और वो रो रहा है। बच्चे मेरे अब सो गए हैं, रात के 9 बज गए हैं और इन्हें बहुत सारी नींद आई हुई थी, तो मैंने इन्होंने अल्लाह हाफिज़ किया तो उसमें फिर ये फ़ौरन बिस्तर पर खाना खाया जस्ट और सो गए हैं। तो अब क्या कहते हैं, मैंने कहा चले मैं ये ब्लॉग आज का एंड कर देती हूँ। तो गाइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना और शेयर भी करना, बेल आइकन को दबाना मत भूलें। काइंडली प्लीज़ 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 चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि ये बच्चे और मोटिवेट हों और अच्छे अच्छे नए कंटेंट लाकर नई वीडियोस चढ़ाएं। तो प्लीज़, ये हमारा राजू, इसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है तो इसके लिए दुआ करना ताकि अल्लाह इसे सेहत दे। और बाकी मेरे वो बच्चे और हसन का लास्ट पेपर है, उसके पेपर्स के लिए भी दुआ करना, रानिया के लिए भी। और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना। वन सेकेंड मैं आपसे बोल रही हूँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और अपना ख्याल रखना, ढेरों दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।